आ गया था, गणेश जी दूध पी रहे हैं और सारे लोग देशवासी दूध पिलाने में लगे। अभी टेलीफोन SMS तो ये SMS फैलाने वाले लोग और 14 के चुनाव को ध्यान में रखने वाले लोग, असली बात समझिए, डांटिए मत लोगों को। तो ये राजनीतिक लाभ कौन उठाना चाहता है, ये कौन उठाना चाहता है? ये सरकार आप फिर देखिए, फिर अब आपके दाढ़ी में वो तिनका, हम नाम नहीं ले रहे किसी का, बता देते हैं, आप शांति से सुनिए, बैठिए, तिनका भी तो ये षड्यंत्र है देश को के अंदर, ट्राइबल नॉन ट्राइबल और माइनॉरिटी और बांग्लादेशी के नाम पर देश के अंदर भाई भाई में लोग लड़ाना चाहते हैं। पार्ट एंड पार्सल अभिन्न अंग है हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमको टॉप प्रायोरिटी देकर के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, हम देशवासियों को, उनको यह कॉन्फिडेंस दिलाना है हमेशा कि आपके ऊपर कोई भी हम आंच नहीं आने देंगे, नहीं आंच आने देंगे। शरद जी बोल रहे थे गुस्सा में, तकलीफ में बोल रहे थे, आपको भी गुस्सा आ गया कि आसद के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं वो ठीक बोल रहे थे कि ये होम मिनिस्टर साहब अभी आ रहे थे हाउस अटेंड करने, मैंने रास्ता में इनको टोका कि आपने टीवी में कल जो स्टेटमेंट दिया कि बंगलोर में हम 3 गाड़ी लगवा दिए हैं ट्रेन, रेल राजमंत्री ने भी कहा, मीडिया के लोगों ने हमको घेरा, ये तो वहां से पलायन हो रहा बड़े पैमाने पर। मैंने होम मिनिस्टर साहब को कहा कि आपने ये जो बयान दिया ये ठीक बयान, इसको मैं पसंद नहीं करता हूं, बंगलोर हो चेन्नई हो या जहां भी हो, कोई भी जगह हो, मुंबई हो, जहां बिहार के लोग, पुणे हो और जहां इसके पहले हुआ, जहां मैडम, यह बिहार हो, ये भाषण कर रहे थे, बोल रहे थे हमारे जीते जी, बिहार के साथ ही इसी तरह का वहां हुआ था, जहां ये उपदेश की बात कर रहे हैं, अब बतला रहे थे बिहार के साथ। जय भाई, बात सुनिए ना, बात सुनिए, और ये जय महाराष्ट्र जो बोलेगा वही रहेगा, ये बड़ा भारी गलत संकेत, ये बढ़ावा लोगों को मिला। हम शरद जी ने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, क्यों ट्रेन आप लगवा दिया, क्यों ट्रेन लगवाया, वहां पर घेर करके चाहे जो भी हो SMS, मालूम नहीं है विभाग को कि कहां से कौन कर रहा था, फेसबुक कौन, यूट्यूब, क्या क्या ये जो बना के आप लोग रखे हैं, इससे देश नहीं चलता, देश चलेगा कड़ाई से, भाषण से नहीं, पूरा कार्रवाई एक्शन लीजिए जो भी हो। गणेश जी दूध पिलाने वाला तत्व तो को मालूम नहीं होते कौन लोग है, कौन है, कौन लोग है, ये षड्यंत्र है देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का, षड्यंत्र है भाई भाई में लड़ाने का, कार्रवाई करिए। ठीक कहा शरद यादव जी ने कि भले इनका पार्टी बोलते हैं पार्टी छोटा, नहीं, आप बड़े जमात के साथ हैं, आपके दाहिना जमात है जिसके कन्वेनर आप कैसे बोल दिया कि हम अखाड़ा वाले लोग हैं, अखाड़ा है, आपने कहा कि टांग तोड़ दो, टांग तो मरम्मत करा लेगा, मरम्मत करा लेगा पूरे मजबूती के साथ,
ऐसा सबक सिखाना चाहिए लोगों को जो फिर हिम्मत नहीं करे मैडम। और देश एक है, अटूट है और यह टूट रहेगा। और कोई भी आदमी अगर राजनीतिक लाभ उठाना चाहता, कोई भी संगठन और पार्टी, चतुराई और बुद्धि से हम लोग जानते नहीं है क्या? देश नहीं समझ रहा क्या? नाम लेने से तकलीफ हो जाएगा लोग, इसलिए ढीला ढक्कर काम मत करिए। और मिनिस्टर साहब, कड़ाई से इसका कड़ाई से कार्रवाई करिए। जो भी ताकत है उनको कुछ चलने का कार्रवाई करिए। पूरा सदन आपके साथ में है, हम लोग साथ में है, यही मुझे कहना। डॉक्टर महबूब।